हेलो कार्ड्स एंड फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रेटा। ये क्रेटा का सेकंड बेस्ट वेरिएंट है, EX वेरिएंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं और ये पेट्रोल वर्जन रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी फीचर, साथ में कलर ऑप्शन, प्राइस, सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अगर बात करें क्रेटा के डायरेक्ट कंपटीशन, तो वो है किया की सेल्टोस, जो कि इसी की सिस्टर कंपनी है। लेकिन अगर हम बात करें हुंडई में खुद में, तो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है वेन्यू, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में क्रेटा का बेस वेरिएंट आता है, उसी प्राइस पॉइंट में वेन्यू का टॉप मॉडल आता है। ऊपर से वेन्यू को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और क्रेटा को 3 स्टार। हालांकि क्रेटा में अब सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, लेकिन 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करने के बावजूद क्रेटा का सेफ्टी टेस्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। इसीलिए हम वेन्यू को अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वेन्यू जो है वो 4 स्टार अचीव कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता है, क्रेटा तो क्रेटा है, इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अलग लेवल की है। इसका क्रेज़ वो भी काफ़ी अलग लेवल का है। इसका जो नाम बिकता है, मतलब क्रेटा जो है वो नाम से बिकती है, जैसे मारुति की स्विफ्ट बिकती है, सेम उसी तरह हुंडई ये क्रेटा जो है सबसे फेमस गाड़ी है। और अगर अपन बात करें मॉडिफिकेशन की, तो थार के बाद अगर कोई गाड़ी आती है मॉडिफिकेशन नाम पे, तो वो क्रेटा ही है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल क्रोल बाग दिल्ली जो है वो इसी चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट टू टॉप कन्वर्जन क्रेटा का किया जाता है, और वो भी बिल्कुल OEM फिटिंग के साथ। अभी ये तो सेकेंड बेस्ट वेरियंट है, लेकिन अगर आप बेस्ट वेरियंट भी लेते हो, तो आप अगर उसको क्रोल बाग लेके जाओगे, तो वहाँ पर आप इसको एकदम टॉप वेरियंट बना लोगे। मतलब उसमें सब कुछ चेंज हो सकता है, इसकी हेडलाइट, टेल लाइट, एलॉय, उसके अलावा जो इसमें क्रूज कंट्रोल तक भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। दोस्तों, क्रेटा फ्रेंड्स इतनी अपीलिंग क्यों लगती है? उसका रीज़न है इसका बोनेट। इसमें आपको सबसे बड़ा बोनेट मिलता है। हुंडई की अगर गाड़ियों की बात करें, तो सबसे बड़ा इंजन जो है वो इसी का है, या फिर कह सकते हैं इंजन बे जो है वो क्रेटा में सबसे बड़ा आपको मिलता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो क्रेटा में हाल फिलहाल आपको 2 ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन। दोनों ही 1.5 लीटर है, मतलब 1500 cc के दोनों आपको इंजन मिलते हैं, और दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन है। बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल में आपको 113 bhp पावर मिलती है, और यही सेम पावर आपको डीजल में भी मिलती है। लेकिन डीजल में आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि उसका टॉर्क आपको ज़्यादा मिलता है। पेट्रोल में आपको मिलता है 143 Nm का टॉर्क, और डीजल में आपको मिलता है 250 Nm का टॉर्क। तो चलिए अब आपको इसका इंजन बेस चेक करवा देते हैं। बोनेट का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी की गई है, और ये है इसका इंजन बे। ये अभी आप इसका पेट्रोल इंजन देख रहे हैं, और ये जो इंजन है ये BS6 सेकेंड स्टेज का इंजन है। फ्रंट से आप देखेंगे कि क्रेटा में जो ग्रिल मिलती है वो इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल मिलती है, मतलब बेस सेकेंड बेस वेरिएंट में आपको सेम ऐसी ग्रिल मिलेगी, और जब आप इसके टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं, तो आपको ग्रिल जो है वो डिफरेंट मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हुंडई का जो लोगो है वो यहाँ पे काफ़ी बिग साइज़ का आपको मिलता है, और ये आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। ग्रिल में नॉर्मली आपको ब्लैक मैट फिनिश का यूज़ किया गया है, उसके अलावा सिल्वर फिनिश जो है वो आपको देखने को मिलेगी। स्किड प्लेट जो है वो भी आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है। हेडलैम्प यूनिट जो है वो आपको बेस वेरियंट से लेकर एस वेरियंट तक ऐसी ही मिलती है। इसमें आपको प्रोजेक्टर ऑफर किया जाता है, और हाई बीम और लो बीम जो है एक ही साथ इंटीग्रेट की जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे डियल स्ट्रिप जो है वो आपको पतले साइज़ की मिलती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट्स हैं मींस S+ नाइट एडिशन से लेकर इसका SX ऑप्शनल वेरिएंट तक जो है आपको डियल स्ट्रिप काफ़ी अच्छी और प्यारी मिलती है। इसमें नीचे जो है आपको सिर्फ रिफ्लेक्टर बेस इंडिकेटर जो है वो मिलता है। आप जो है आफ्टर मार्केट या फिर एज ए एसेसरी यहाँ पर जो है फोग लैंप हाउसिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं, और फोग लैंप में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोजेक्टर जरूर इंस्टॉल करवाएं, जो कि आफ्टर मार्केट होगा, एजेंसी से नहीं होगा। और आप जब इस इंडिकेटर सेटअप को दूर से देखोगे, तो ये आपको बिल्कुल फोग लैंप की तरह लगेगा। और अगर आपको फोग लैंप की नीड नहीं है, तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। टायर साइज जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें आपको 205/65/8/16 का टायर साइज मिलता है, जो कि बेस्ट वेरियंट मिलता है। टॉप वेरियंट्स में आपको 17 इंचज के अलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, इस वेरियंट में आपको सिर्फ नॉर्मल स्टील रिम ऑफर किए गए हैं 16 इंचज के। व्हील कवर जो है वो आपको कंपनी से मिलता है, और देखने में ये व्हील कवर की डिज़ाइन जो है वो काफ़ी प्यारी लग रही है। और टायर साइज अच्छा होने के कारण प्लस पॉइंट ये मिलता है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है
वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसमें आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो आपको मिलती है 1790 mm की, और इस गाड़ी की जो हाइट है वो आपको मिलती है 1635 mm की। वहीं इस गाड़ी की जो लेंथ है वो आपको मिलती है 4300 mm की। और अगर बात करें इसके व्हील बेस का, तो व्हील बेस का मतलब है दोनों टायरों के बीच का गैप, वो मिलता है आपको 2610 mm का। क्रेटा की रियर प्रोफाइल भी काफ़ी शानदार मिलती है। सेकंड बेस वेरिएंट होने के बावजूद इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है बॉडी कलर। उसके अलावा आप देखेंगे रियर विंडशील्ड जो है वो आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगी, मतलब यहाँ पे ना ही तो वॉशर है, ना ही वाइपर और ना ही डिफोगर दिया गया है। उसके अलावा देखेंगे कि नॉर्मली गाड़ियों में हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसमें जो है टेल गेट पर दिया गया है बीच में, मतलब बिल्कुल मिडल में जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप को प्लेस किया गया है, और उसी के जस्ट नीचे आपको हुंडई का लोगो और क्रेटा की बेजिंग मिलती है जो कि इवन क्रोम फिनिश में है। उसके अलावा बेस वेरिएंट्स या फिर कह सकते हैं मिड वेरिएंट तक जो है आपको वेरिएंट की बेजिंग नहीं मिलती। वेरिएंट की बेजिंग जो है वो आपको एसएक्स वेरिएंट से मिलनी स्टार्ट होती है जो कि आपको राइट साइड में मिलती है। उसके अलावा बूट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है रिक्वायर सेंसर मिलता है, और इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है आप एज एसेसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो चार मिलते हैं, मतलब पीछे आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि नीचे जो आपको रिवर्स गियर की लाइट मिलती है, और साथ ही में रिफ्लेक्टर जो इसमें प्लेस किया गया है। स्किड प्लेट जो है वो आपको फ्रंट की तरह रियर में भी सेम सिल्वर फिनिश में आपको मिलती है। टेल लाइट भी जो है वो आपको बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में ऐसी मिलती है, मतलब इसमें जो है स्ट्रिप जो है वो काफ़ी पतले साइज की मिलती है। और हालांकि एस वेरिएंट में जो है आपको हेडलैम्प तो इसी तरह मिलते हैं जैसे आपने पहले आगे देखे हैं, लेकिन टेल लाइट्स जो है एस वेरिएंट में आपको डिफरेंट मिलती है। उसमें आपको एसएक्स की तरह दिखने वाली टेल लाइट्स जो है ऑफर की जाती है। टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो ये तो आपको एलईडी स्ट्रिप मिलती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो आपको हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। बूट को एक्सेस करने के लिए आपको सेंसर मिलता है जिसके थ्रू आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। और क्रेटा में जो है आपको मिलता है 433 लीटर का बूट स्पेस जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। गाड़ी में सामान जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है। उसके अलावा बूट में जो है आपको केबिन लैंप भी मिलता है जो कि इवन हैलोजन बल्ब के साथ आता है। पार्सल ट्रे जो है वो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती। उसके अलावा आपको 60-40 रियर सीट को जो है फोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, और स्पेयर टायर जो है वो भी आपको सेम साइज़ का मिलता है, मतलब 205/65R16 का टायर साइज जो है वो आपको स्पेयर में मिलता है। उसके अलावा ये जो ट्रे है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसका रीज़न ये है कि जब सामान रखते हैं तो वो बिल्कुल एकदम फ्लैट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम्प नहीं है। हम्प ना होने के कारण आप सामान को काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिसके चलते आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से सामान को उठा करके आराम से इसमें रख सकते हैं। बूट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, और टेल गेट का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते बूट जो है वो इजीली क्लोज हो जाता है। फ्यूल टैंक का एक्सेस जो है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है, और इसमें आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है, चाहे पेट्रोल वेरिएंट हो या फिर डीजल वेरिएंट। और आप देखेंगे कि क्रेटा की साइड प्रोफाइल में ये जो सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, और काफ़ी हैवी लुक जो है इसके थ्रू आता है। विंडशील्ड जो है वो क्रेटा ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ की विंडशील्ड जो है यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। वाइपर्स जो है वो आपको नोरो मिलते हैं, लेकिन इनका जो क्लीनिंग रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आप देखेंगे इस वेरियंट में आपको रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती है, लेकिन रूफ रेल्स जो है वो आप एज एसेसरी कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, और वो इंस्टॉल करवाना आपकी चॉइस है क्योंकि उससे सिर्फ लुक एनहांस होता है, उसके अलावा उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। डोर हैंडल और ORM जो है वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं। ORM जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन फोल्डिंग का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। और टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको LED स्ट्रिप के साथ जो है इस पर मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो पिलर्स हैं वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं, मीन्स जैसा कि यहाँ पे गाड़ी ब्लैक कलर की है तो बॉडी पिलर जो है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है। और दोस्तों साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ भी जो है आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी जो कि देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है, और गाड़ी का जो लुक है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। उसके अलावा कुछ इस प्रकार की आपको की मिलती है इस वेरियंट में, दोनों ही की जो है वो आपको फ्लिप ऑप्शन शायद मिलती है, उसमें आपको लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर बूट अनलॉक का बटन जो है आपको इसमें मिलता है। दोस्तों हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं उनमें एक फीचर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तो हॉर्न जो है वो बीप करता है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही अच्छा लगता है कि यार काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर, लेकिन बाद में आप इससे इरिटेट होने लग जाते हो। अभी जो मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ और आप देखिए किस तरह का साउंड जो है गाड़ी निकालती है, तो ये जो साउंड है ये काफ़ी लाउड है, और ये स्टार्टिंग में देखने में अच्छा लगता है कि यार एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, लेकिन बाद में आप इससे इरिटेट होने लग जाते हैं। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर तरफ।
डोर ट्रिम की अगर हम बात करें तो ड्राइवर साइड डोर ट्रिम में आप देखेंगे ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं, रियर विंडो लॉक करने का बटन आपको मिलता है, लॉक एंड लॉक का बटन है, और ORM को एडजस्ट करने के बटन जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। डोर ओपनिंग लीवर जो है वो आपको नॉर्मल मतलब ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है, और नीचे जो है आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो मेरे को क्रेटा और i20 में काफ़ी प्यारी लगती है। इसकी डिज़ाइन देखिए आप पहले कितनी प्यारी है और काफ़ी अपीलिंग लगती है। उसके अलावा नीचे आपको 1 लीटर बोटल स्पेस मिलता है, और साथ में कुछ अदर स्पेस जो है वो भी आपको इसमें ऑफर किया जाता है। पिलर स्पेस जो है यहाँ पे आपको ट्विटर मिलता है इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बेस वेरिएंट में जो है नॉर्मल ORV मिलते हैं जिसको आपको स्टिक के थ्रू एडजस्ट करना होता है। दोस्तों क्रेटा का जो इंटीरियर फील है वो यहाँ पे काफ़ी प्यारा लगता है और यहाँ पे काफ़ी स्पेसी फील होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि देखने में अच्छा भी लगता है और स्पेशियस भी फील होता है। सीटिंग कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे इस वेरिएंट में आपको फैब्रिक का इस्तेमाल मिलेगा, और सीट में भी आपको सेम इंटीरियर का जैसा ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, मीन्स बीच एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मिलता है। उसके अलावा ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको ऑफर की जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और रियर सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। सीट जो है वो आपको बिल्कुल ग्रैब करके रखती है, जिसके चलते आपकी जो ड्राइव क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा आपको जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल ऑफर किया गया है, और आप देखेंगे हेडरूम कितना अच्छा यहाँ पर मेरे को मिल रहा है। अभी जो है सीट मेरे ड्राइविंग प्लेजर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है, लेकिन हम जब आपको रियर कम्फर्ट चेक करवाएंगे उस समय जो है मैं अपनी सीट को मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। और बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। उसके अलावा इसमें आपको लेदर स्टिच या फिर आप कह सकते हैं लेदर रैप स्टेयरिंग जो है वो आपको नहीं मिलता, लेकिन वो जो है आप एज ए एसेसरी या फिर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, और बिल्कुल OEM फिटिंग जो है आफ्टर मार्केट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे कंट्रोल्स की बात करें तो राइट साइड में जो है आपको MID कंट्रोल मिलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो है आपको मीडिया कंट्रोल मिलते हैं। इस वेरियंट में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, और नीचे आप देखेंगे सिलो फिनिश जो है वो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। स्टेयरिंग जो है वो देखने में काफ़ी छोटा सा लगता है और काफ़ी प्यारा लगता है, और हैंडलिंग क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा स्टेयरिंग जो है वो आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, इसमें आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता। टॉगल्स की अगर हम बात करें तो राइट साइड के टॉगल में आपको जो है हेडलैम्प के कंट्रोल मिलते हैं, और लेफ्ट साइड के टॉगल में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। एयर वेंट्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में प्लेस किए गए हैं, और इसकी जो डिज़ाइन है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी डिज़ाइन जो है क्रेटा में आपको मिलती है। इसके सराउंड आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, और बीच में जो है आपको ब्लैक मैट फिनिश मिलती है, और इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन है या फिर कह सकते हैं ओवरऑल लुक है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा और अपीलिंग निकल कर आ रहा है। कंट्रोल्स की बात करें तो डैशबोर्ड के राइट साइड में जो है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, उसी के पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, और साथ में हेडलाइट लेवलिंग स्विच का कंट्रोल जो है आपको मिलता है। नीचे फ्यूज़ बॉक्स, और उसी के जस्ट नीचे आपको बोनेट को ओपन करने के लिए लीवर मिलता है। की होल जो है वो आपको एलिमेटेड नहीं मिलता, वो आपको नोरो मिलता है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि SX वेरिएंट से जो है MET लाइटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, और उसका स्पेस जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलता है। आप जो है यहाँ पे OEM फिटिंग वाली MET लाइटिंग जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंटीरियर का लेआउट जो है वो आपको बेस्ट टू टॉप बिल्कुल सेम मिलता है, और सेकेंड बेस्ट वेरियंट लेने का प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको कंपनी फिटेड इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि लगभग 8 इंचेस का है, और इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सब मिलते हैं, साथ में ब्लूटूथ और फ़ोन की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको इसमें मिल जाती है। इनबिल्ट नेविगेशन जो है वो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, लेकिन इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये देखने में काफ़ी अच्छा है, और इसमें ज़रूरत के सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। एयर वेंट जो है वो डैशबोर्ड के जैसे साइड में आपको मैंने दिखाया था उतना अपीलिंग तो नहीं है, लेकिन देखने में इसकी डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। मतलब देखने में लगता नहीं है कि ये आउटडेटेड एयर वेंट डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन जो है आज के समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्रेटा में मैंने देखा है कि क्रेटा का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमेशा ड्राइवर साइड की तरफ टिल्ट आपको मिलता है, और ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि नेविगेशन जो है वो सिर्फ ड्राइवर ही देखता है, उसके अलावा पैसेंजर्स जो है वो नेविगेशन पर इतना ध्यान भी नहीं देते। और इंफोटेनमेंट सिस्टम के जस्ट नीचे आपको जो है मैनुअल AC कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, और बीच में आपको हैजार्ड बटन का स्विच भी मिलता है। AC की जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आप देखेंगे नीचे जो आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, और साथ में USB और फास्ट चार्जर के लिए आपको एक USB स्लॉट मिलता है। उसी के जस्ट पीछे 6-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स, इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी जो हम आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिखा रहे हैं। रिवर्स कैमरा जो है वो इस वेरियंट में आपको नहीं मिलता, लेकिन रिवर्स में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हैं। उसी के जस्ट पीछे जो है आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए गए,
और हैंड ब्रेक जो है वो आपको मैनुअल मिलता है। लेकिन ये जो कंसोल है ये देखने में काफी प्यारा लगता है और लग नहीं रहा है कि मैं सेकंड बेस्ट वेरिएंट में बैठा हूँ। और हैंड ब्रेक के जस्ट पीछे जो है आपको आर्म रेस्ट मिलता है जो कि फिक्स्ड है, स्लाइडेबल नहीं है और ये सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि IRVM जो है वो आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है और ऊपर जो है आपको सनग्लास होल्डर ऑफर किया गया है। साथ ही में केबिन लाइट जो है वो आपको हेलोजन बल्ब में मिलती है और इसमें आपको टोटल 2 केबिन लाइट मिलती है, मतलब 2 आपको फ्रंट में मिलते हैं और एक सेटअप जो है आपको मिडल में प्लेस किया गया है, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। को पैसेंजर सनवाइजर में जो है आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है लेकिन लाइट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा देखेंगे डैशबोर्ड पे ये जो बीच कलर का कॉम्बिनेशन सेट किया गया है इसका जो टेक्सचर है वो यहाँ पे काफ़ी प्यारा लगता है। उसके अलावा एयरबैग की बैजिंग जो है वो भी आपको मिलती है और स्टिचिंग जो है ये वैसे तो डमी है लेकिन देखने में काफ़ी प्यारा लुक यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ग्लो बॉक्स जो है वो आपको नॉर्मल मिलता है, मतलब इसमें आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स या फिर लाइट के साथ आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। और इसका जो स्टोरेज स्पेस जो है वो भी इनफ है, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे काफ़ी प्यारा मिलता है। इसमें आपको बिल्कुल ओल्ड थीम जो है वो यहाँ पे मिलेगी, मीन्स यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है। अगर बात करें राइट साइड की तो राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलता है और उसी के साथ स्पीडोमीटर जो है वो आपको मिलता है एनालॉग में, और लेफ्ट साइड में आपको जो है RPM मीटर और टेम्परेचर गेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बीच में MID मिलेगी, MID में आपको जो है सब कुछ शो होगा, मतलब अगर कोई डोर ओपन है तो उसका इंडिकेशन भी आपको शो होगा और ऊपर तरफ आपको जो है फ्यूल जो है वो आपको शो होगा, मतलब डिस्टेंस टू MT जो है आप इसमें देख सकते हैं। नीचे जो है आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा और MID के राइट साइड में नीचे तरफ आपको जो है ओडोमीटर शो होगा। वार्निंग लाइट्स जो है वो आप नीचे तरफ देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो होगी। TPMS जो है वो भी इस वेरियंट में आपको मिलता है, मतलब बेस्ट टू टॉप सभी वेरियंट्स में आपको जो है TPMS मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है जिसमें आप लाइट्स, डोर या फिर साउंड वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सेफ्टी फीचर्स का भी क्रेटा में काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जो है आप सीट बेल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग और फिर जो है सीट बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। एयरबैग की बैजिंग जो है वो आपको पिलर्स पर मिलेगी, साथ ही में फ्रंट जो सीट है उन पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी। रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट और कन्वीनियंस को देखते हुए यहाँ पे जो है आपको रियर AC वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं जिनका जो एयर थ्रो है वो आपके फेस पे आता है, मतलब इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। उसके अलावा रियर सीट जो है वो आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको रिक्लाइन करने के लिए एक स्विच दिया गया है या फिर कह सकते हैं लीवर दिया गया है जिसको आप यूज़ करके सीट को जो अपने अकॉर्डिंग रिक्लाइन कर सकते हैं। अभी जो सीट है बिल्कुल पीछे तरफ रिक्लाइन की गई है और इसको आप जो आगे तरफ भी कर सकते हैं, मतलब इतना जो है यहाँ पे आपको रिक्लाइनर में एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा हेडरूम जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है और ये फ्रंट जो सीट है ये मेरे ड्राइंग प्लेजर के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। उसके बावजूद लेग रूम जो है वो मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उस सीट के पीछे जो आपको पॉकेट्स भी ऑफर की गई है। थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और पीछे जो है 3 बंदे आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। आर्म रेस्ट भी इस वेरियंट में आपको ऑफर किया गया है और इसमें आपको 2 कप होल्डर भी मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसके रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट की तो रियर में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और मिडल पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट जो है ऑफर नहीं किया गया है। ग्रैब हैंडल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ तो नहीं है लेकिन इसकी जो फील है वो काफ़ी अच्छा है और ग्रैब हैंडल पर जो है टेक्स्चर भी आपको मिलता है जैसा कि सेम आपको डैशबोर्ड में मिलता है। और बात करें रियर डोर ट्रिम की तो यहाँ पर जो है रियर पावर विंडो स्विच मिलता है और यहाँ पे जो डोर ओपनिंग लीवर हैंडल है वो भी आपको नॉर्मल फ्रंट की तरह ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट जो इसमें मिलती है और साथ ही में 1 लीटर बोटल स्पेस। टोटल इसमें आपको 4 स्पीकर ऑफर किए गए हैं और 2 ट्विटर ऑफर किए गए हैं। कलर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्रेटा में आपको टोटल 5 नॉर्मल कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 2 एडिशन भी मिलते हैं जिसमें पहला है के नाइट एडिशन और दूसरा है इसका एडवेंचर एडिशन, और दोनों ही एडिशन में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें एक कलर में आपको डुअल टोन भी मिलता है। और बात करें इसके एक्स शोरूम प्राइस की तो ये पेट्रोल वेरियंट है EX, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11,81,000। और अगर आप इसके बारे में कुछ अदर डिटेल लेना चाहते हो तो आप श्री गंगा हुंडई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनकी डिटेल आपको नीचे फ्लैश हो रही है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलती है जिसके चलते हम आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है वो लेकर आते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।